नीले बाल झुके देखे। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, दिस इज इमानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग था क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारी हिम्मत चाहिए थी। सो अभी फिलहाल मैंने सोचा है लेट्स गो अहेड एंड मेक दिस वीडियो। यस, सो आई एम गोइंग टू कलर माई हेयर ब्लू एंड स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कैसा लगेगा, मैं कैसा कर पाऊंगी, बट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। क्योंकि आज तक मैंने अपने सारे हेयर कलर्स घर पर करे हैं, मैंने जितने भी बार अपना हेयर कलर किया है मैंने घर पर ही करा है, और ये कलर भी मैं घर पर ही ट्राई करने वाली हूँ। अगर अच्छा नहीं होता है और अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, आई अगेन कलर इट ब्राउन। ये ब्राउन है अभी फिलहाल, ब्लैक से ब्राउन इनका शेड है। सो अभी मैंने फिलहाल दो चोटी बना ली है बिकॉज दो पार्टीशन में मुझे चाहिए था, बट ऑब्वियसली मैं अपने सारे बाल ब्लू नहीं करने वाली हूँ और मैं हाइलाइट्स भी नहीं करने वाली हूँ। वैसे एक्चुअली जो मैं यूज कर रही हूँ स्ट्रीक्स का, दिस इज अ हाइलाइटिंग किट, इस पे लिखा है स्ट्रीक्स अल्ट्रा लाइट्स हाइलाइटिंग किट, तो दिस इज इन द शेड ब्लू सफायर। तो फिलहाल मैं ये किट यूज करने वाली हूँ एंड मेरे बालों में एक कलर इनफ नहीं होगा तो मैं दो डब्बे लेकर आई हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ये सोचा ऑब्वियसली ओम्ब्रे ऑलरेडी है तो मैं ओम्ब्रे इफेक्ट में ही ब्लू हेयर कलर करूंगी। सो आई विल टेक दिस मच लेंथ और यहां से यहां तक ब्लू। मी एंड माई बैकग्राउंड साउंड। सो दोनों चोटी ले ली है मैंने, इनको मैं इतना इतना ब्लू हेयर कलर करूंगी। ऑब्वियसली वैसे तो मेरे लाइटन है ऑलरेडी हेयर, ब्लैक नहीं है क्योंकि मैं पहले कलर कर चुकी हूँ, बट इसको थोड़ा और लाइट करने के लिए इस किट में ब्लीच भी दी हुई है। आई हैव नेवर नेवर ब्लीच्ड माय हेयर, मैंने अभी तक अपने बाल कभी भी ब्लीच नहीं करे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई। और ऑब्वियसली ब्लीच के बाद बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, एक्चुअली सिर्फ एक कलर भी करते हैं ना तो भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उसके बाद आपको कंडीशन अच्छे से करना होता है, ऑयलिंग और अच्छे से करनी होती है, हेयर सीरम यूज करने होते हैं, बट अभी फिलहाल मैं ब्लीच करूंगी तो मुझे और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं ब्लीच करने का इसलिए सोच रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर इस पर क्या कलर आने वाला है। ऑल्दो आप देख सकते हो ये और ये काफी डिफरेंट है, ये ऑलरेडी बहुत टोन डाउन हो चुका है कलर करने के बाद, बट आई एम नॉट श्योर इस पर भी क्या कलर आएगा। थोड़ा सा मैं इस पर ब्लीच कर और टोन डाउन करूंगी एंड देन हम ब्लू हेयर कलर लगाएंगे। सो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हिम्मत जो मेरे को बहुत दिनों बाद आई है, देन यू नीड दीज बॉक्सेस। आप कोई भी हेयर कलर के बॉक्सेस ले सकते हैं ब्लू और जो फैंसी कलर्स होते हैं, एंड इसके अंदर ही आपको ग्लव्स मिल जाएंगे, फॉइल पेपर बिकॉज हमें जो भी हम ब्लीच करेंगे उसको फॉइल से रैप करना होगा और जो कलर करेंगे उसको भी ताकि वो सूखे ना, तो इसलिए फॉइल से हम रैप कर देंगे उसको। एंड देन यू नीड अ वैसलीन, सो बट ये आपको एक्चुअली बिकॉज हम नीचे नीचे कर रहे हैं तो इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप यहाँ पर करते हैं तो इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मैंने रख ली है बट आई गेस आई एम नॉट यूजिंग इट। अ बोल जिसमें आप मिक्स करेंगे हेयर कलर को एंड अ ब्रश, ब्रश इस किट में निकला है सो आई एम नॉट यूजिंग माइन, आई यूज दिस वन ओनली। सो लेट्स गो अहेड एंड मिक्स द ब्लीच फर्स्ट। मैं आपको पहले बता देती हूँ इस बॉक्स में क्या क्या आपको मिला है। ग्लव्स आपको मिले हैं एंड देन यू हैव गॉट दिस ब्रश, उसके बाद ये आपको ये जिसमें आप पढ़ सकते हो कि क्या करना है, एंड देन द कलरेंट क्रीम विच इज अ स्टेप टू। स्टेप वन में हमें मिला है ब्लॉन्ड पाउडर, दिस इज टू ब्लीच योर हेयर, इससे आपके बालों को ब्लीच करना है आपको, विच इज अ स्टेप वन एंड अ डेवलपर। लास्ट थिंग इज दिस हाईलाइटिंग ब्रश, यू हैव गॉट दिस ऑल्सो, सो इस पे आप कलर लगाकर यू कैन जस्ट डू दिस। आई एम नॉट यूजिंग दिस सो दिस इज ऑफ नो यूज, सो लेट्स गो अहेड विद आवर फर्स्ट स्टेप विच इज ब्लीचिंग माई हेयर। ऑल्सो यू हैव गॉट दिस कंडीशनर, सो ये आपका लास्ट स्टेप होगा, ब्लीच इज नंबर वन, कलर इज नंबर टू एंड देन कंडीशनर इज लास्ट। सो लेट्स गो अहेड विद द ब्लॉन्ड पाउडर। ओके, सो मैंने इसमें डेवलपर और ब्लॉन्ड पाउडर डाल लिया है, आप एक बॉक्स यूज कर सकते हैं इफ यू आर यूजिंग इट फॉर हाईलाइट्स ओनली। मैंने दो बॉक्स यूज करे हैं तो मैंने दो डेवलपर और दो ब्लॉन्ड पाउडर के पूरे पूरे पैकेट्स इसमें डाल लिए हैं। नाउ आई एम मिक्सिंग इट। ऑल्सो आप प्लीज एक पुरानी टी शर्ट पहन के बैठे, मैंने पता नहीं क्यों ये डाल ली है नई, बट आप प्लीज कोई पुरानी जो आपको फेंकनी हो वैसी कोई टी शर्ट पहन लो सो दैट आपकी टी शर्ट पे कलर ना आए। ओके, सो ऐसा कुछ ये पेस्ट बन गया है, या सो ऐसा पेस्ट बन चुका है
इतना आपको मिक्स करना है कि इसमें वो जो पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके पार्टिकल्स अलग से विजिबल ना हो। सो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन द लेंथ ऑफ माई हेयर एंड आई विल डू इट। इतना ऑलरेडी बहुत लाइट है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ब्रश यूज नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ से लगाने वाली हूँ। बहुत अच्छे से आपको लगाना है ताकि बीच में भी कोई बाल ना रहे। लाइक आपको ऐसे इसको ऊपर से अपसाइड डाउन अंदर से हर जगह से अच्छे से कवर करना है। आई डोंट नो, मैं थोड़ा और ऊपर जाऊं या फिर इतना काफी है। मुझे लग रहा है मेरा एक बॉक्स में भी हो सकता था, थोड़ा ही करना था मुझे। सो आई गेस इतना इनफ है। ये एक्चुअली अभी कम लग रहा है, बट इनफ होगा इतना। थोड़ा और कर लेते हैं। अंदर भी लगाना है गाइस, ये नहीं रहना चाहिए। सो मैंने इतना कर लिया है नीचे से। आई विल टेक अ फॉइल पेपर एंड आई विल रैप दिस। सेम मैं यहाँ पर करूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, फाइनली मैंने यहाँ पर ये दोनों पे ये दो लड्डू बना दिए हैं। मतलब मैंने यहाँ पर दोनों पे ब्लीच लगा दी है। एंड नहीं बोलना मुझे, मैं बहुत एंड बोलती हूँ। मैंने देखा अपनी वीडियोस में एंड नहीं बोलना। सो मैंने यहाँ पर ये दोनों में ये लड्डू बांध दिए, मतलब इन दोनों के अंदर मैंने ब्लीच लगा दिया। ब्लीच लगाने के बाद मैंने इनको फॉइल पेपर से रैप कर दिया। नाउ आई विल कीप दिस फॉर हाफ एन आवर। 30 मिनट्स के बाद मैं इसे वॉश कर आपसे मिलती हूँ। सी यू। सो मुझे अभी 20 मिनट्स हो गए हैं और मैं इसे जस्ट अभी खोल कर देखा तो ये ऑलरेडी ब्लीच्ड हो गया है। और मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही ब्लीच हो गया, मुझे यही देख कर डर लग रहा है पहले तो। मतलब ये मैंने पहली बार करा है, मुझे पता नहीं आग लग रही है इस पर। मैं टच करके देख रही हूँ, इट्स टू हॉट। तो ये वाला तो पूरा ब्लीच हो गया, तो मैं ये धोने जा रही हूँ। मैं ये भी खोल कर देख लेती हूँ, मतलब ऑब्वियसली ये हो गया तो ये भी हो गया होगा। सो अभी बस 20 मिनट हुए थे और मैंने खोल के देखा तो ये कुछ ऐसा हो गया है। स्केरी। ऑलमोस्ट डन। सो आई एम गोइंग एंड वॉशिंग माई हेयर। मतलब ये मेरे शायद ब्राउन थे बाल, तो इसे 20 मिनट में ही हो गया। तो आप बीच बीच में चेक कर लेना, पता लगा बहुत गर्म हो गया। ये पता नहीं गर्म क्यों हो गया है। मैं फिलहाल ये धोने जा रही हूँ और ड्राई कर मैं आपको मिलती हूँ। सो आई एम डन विद माई स्टेप नंबर 1 एंड मैंने अपने बाल ब्लीच कर लिए हैं, ड्राई कर लिए हैं, वॉश कर लिए हैं एंड ये कुछ ऐसे दिखते हैं अब। माई गॉड, इट इज सो स्कैरी मैम। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है ये देखकर। पता नहीं ये ऐसा लग रहा है बारबी डॉल के बाल हैं। मतलब ऐसे होते हैं ना उनके बाल, इस अजीब से कलर के। और अगर मैं टेक्सचर फील करके बताऊं तो सच्ची में ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। मतलब बहुत ड्राई टेक्सचर लग रहा है। आई डोंट नो क्या होने वाला है मेरे बालों का, कुछ हो नहीं सकता इसका। तो अब मैंने ये कर लिया है, अब मैं ये घोड़े के बाल लग रहे हैं क्या? पक्का मैं गौरव को दिखाऊंगी तो वो यही बोलेगा घोड़ी के बाल। सच्ची में ये वैसे ही लग रहे हैं, मतलब देखो। अच्छा ठीक है, अब इसको मैं ज़्यादा नहीं देखूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत डरा रहे हैं। तो अब इसको फटाफट मैं ब्लू कर लेती हूँ, पता नहीं वो भी कैसा कलर आएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो ठीक है, वरना विल कीप इट फॉर अ वीक एंड मैं वापस इसे ब्लैक कर लूँगी क्योंकि दिस इज नॉट मी। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, सो आई एम स्टार्टिंग विद माई स्टेप 2 विच इज फाइनली द कलरेंट न्यू ग्लव्स एंड द कलरेंट। मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थोड़ा भी कलर। ओके गाइस, सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे ये ऑलरेडी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी ताकि नीचे जो है कलर डार्क रहे और ऊपर थोड़ा लाइट रहे, तो वो ऑब्वियसली शेड आएगा। हमें ध्यान ये रखना होगा वाइल कलरिंग कि हम यहाँ यहाँ तो कलर करें बट इसको ऐसे खोल कर भी कलर करें। मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखिए, जैसे अब मैंने ऐसे कलर कर दिया तो ऐसे तो कलर हो जाएगा। जब मैं इसे खोलूँगी ना, इसके अंदर भी कोई बाल नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज जब हम हेयर वॉश करेंगे ना
तो उसके अंदर गोल्डन ब्लू के बीच में अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो एक एक बाल पे ब्लू कलर होना चाहिए। पता नहीं आज मैं घोड़ी भी बन गई, फिर मैं मुर्गा भी लग रही थी, फिर अब मेरे को लग रहा है मैं पीकॉक बनने वाली हूँ। आई होप ये जो मैं चाह रही हूँ ना, जो मैंने सोचा है ये वैसा हो जाए। अब देखो जैसे ये कर दिया, अब इसके बीच में है ना ये रह जाते हैं, तो इनको पूरा करना है। इसको अच्छे से कलर करना है, अच्छे से। थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर भी जाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा इफेक्ट देना है शेड वाला। तो जहाँ पर मैंने ब्लीच करी है वो तो मैं पूरा ब्लू करूँगी ही, और जहाँ पर मैंने ब्लीच नहीं करी माई ब्राउन हेयर, उन पर भी मैं थोड़ा सा लगाऊंगी। क्योंकि मुझे एक तो ये देखना है कि ब्राउन पे क्या कलर आएगा और जो ब्लीच हेयर है उन पे क्या कलर आएगा, वो भी हमें पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ तक जा रही हूँ। ला 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 ला, नीले बाल जो तेरे देखे। यहाँ तक तो मैंने ब्लीच करा था, तो यहाँ पर भी मैंने अप्लाई करा, और जो मेरे ब्राउन हेयर थे पहले कलर वाले उस पर भी अप्लाई करा है। तो अगर उस पर भी हल्का हल्का शेड आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, आई गेस इतना ही रखेंगे, एंड आई विल जस्ट वेट। इसको मैं एक बारी फॉइल से रैप कर देती हूँ। वी विल अगेन कीप दिस फॉर हाफ एन आवर। सो ये मैंने वैसे ही कलर कर इसमें पैक कर दिया है। मैं यहाँ पर इस साइड पे भी वही कलर कर लेती हूँ, एंड मैं फिर आपसे मिलती हूँ। इसको 30 मिनट रखना है, जब मैं इसको ओपन करूँगी देन आई विल सी यू। ओके, सो स्टेप टू, द कलरेंट आई हैव अप्लाइड इट, एंड इसको फॉइल पेपर में रख दिया है। आफ्टर 30 मिनट्स ये मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ कि ये कैसा हुआ है, एंड देन वी विल वॉश आवर हेयर। ओके गाइस, सो इट्स बीन हाफ एन आवर नाउ एंड मुझे नींद आ रही है। पता नहीं, एक तो ऐसा लग रहा है ये दोनों लटका कर कि मेरा सर नीचे जा रहा है, बट अभी हाफ एन आवर हो गया है, मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। मैं बस देख लेती हूँ एक बारी, अगर हो गया है तो वी विल वॉश इट, अदरवाइज विल कीप इट फॉर अनदर 10 मिनट्स एंड देन आई विल वॉश। बट समझ नहीं आ रहा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। नाइस, ओके आई गेस अभी ज्यादा देर भी रखना सही नहीं है। आई विल जस्ट गो एंड क्विकली वॉश माई हेयर, ड्राई इट एंड चेंज कर मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। आई एम बैक एंड मैंने हेयर वॉश कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं मेरे हाथों का कलर। हेयर वॉश करते हुए हाथों पे भी बहुत ज्यादा ब्लू ब्लू हो गया है। सो ये तो चला जाएगा, अभी मैं दो तीन बार हैंड वॉश करूंगी। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द रिजल्ट। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद वॉट द रिजल्ट आर, एंड अब मुझे लग रहा है मैंने बहुत नीचे नीचे कर लिया, थोड़ा यहाँ तक कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, इट्स ओके। फर्स्ट टाइम था, ट्राई कर रही थी, एंड पहली बार के अकॉर्डिंग आई एम इन लव विद द रिजल्ट्स। अभी के लिए तो मुझे बालों में इतना ड्राइनेस नहीं लग रहा है, क्योंकि बालों में मैंने कंडीशनर कर लिया अच्छे से, तो अभी इतना ड्राइनेस नहीं है, बट देखते हैं अगर एक आधे हफ्ते बाद बालों का क्या हालत होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देती हूँ, एंड आर यू गाइज एक्साइटेड, हियर आर द रिजल्ट्स। कुछ ऐसा रिजल्ट आया है। ओके, सो मैंने आपको बोला था कि जैसे मेरे यहाँ से बाल ब्लैक हैं देन ब्राउन है, एंड उसके बाद ही मैंने ब्लीच करा था। सो ये जो ब्राउन बाल थे ऑलरेडी जो मैंने मर्ज करने के लिए करा था, इस पे कुछ लाइट कलर आया, एंड देन जहां पे ब्लीच हुआ था वहां कुछ कलर ऐसा आया है। आई एम लविंग इट गाइस, फॉर नाउ आई एम लविंग इट। अभी तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड। सो जब आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते थे, मजा ही आ जाता है। सो दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड। सो येस गाइज, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज गाइज यू नो मुझे ये कलर बहुत टाइम से चाहिए था, और मुझे में एक्चुअली हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फाइनली आज मैंने सोचा यार बना डालते हैं,
कर डालते हैं कलर, और मैंने कर लिया अभी के लिए, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। पता नहीं एक आधे हफ्ते बाद अगर, बिकॉज ये कलर बहुत जल्दी निकलता है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहां पर जरूर अपडेट दूंगी कि बालों का कलर का क्या हाल है। एंड गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड माई वीडियो। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। गाइज, इसमें मैं बहुत सारे हेयर स्टाइल्स बना सकती हूँ। आई कैन लीव माई हेयर ओपन, मैं ओपन भी छोड़ सकती हूँ, हाई पोनी भी इसमें बहुत अच्छी लगेगी। एंड थर्ड इज सो अगर आपको बहुत हाईलाइट करना है अपना ब्लू कलर एंड बहुत प्रोमिनेंट दिखाना है तो आप एक ऐसा हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकते हैं, इससे आपका कलर बहुत प्यारा लगेगा और फ्रंट में भी आ जाएगा। सो बहुत सारे हेयर स्टाइल्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको ये कलर कैसा लगा। मैं तो मुर्गा भी बन सकती हूँ। पाक 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 पका।